जिला विकास एवं निगरानी समिति की बैठक आज सांसद भागीरथ चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस दौरान अजमेर के अलग अलग विधानसभा की विधायक और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस दौरान जिले में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के साथ ही विकास कार्यों को लेकर समीक्षा की गई, जहां सांसद और जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए जनता को परेशान करने का आरोप लगाया। अजमेर सांसद ने बताया कि हर 3 महीने में यह बैठक आयोजित होती है, लेकिन इसके बावजूद भी कई समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। बैठक के दौरान अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन 3 महीने बाद वह समस्याएं वैसी की वैसी ही नजर आती हैं। ऐसे में सभी अधिकारियों को आज फटकार लगाते हुए पाबंद किया गया कि इन सभी योजनाओं और समस्याओं का जल्द निदान किया जाए और काम धरातल पर दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले पैकेज को भी इस्तेमाल नहीं कर पाती है। हर घर जल योजना के तहत केंद्र सरकार ने 27,000 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को दिए, लेकिन उन्होंने केवल 4,000 करोड़ रुपए ही इस्तेमाल किए हैं। बाकी पैसा सरकार इस्तेमाल भी नहीं कर पा रही है। केंद्र सरकार सड़कें बनाने के लिए तैयार है, लेकिन राजस्थान सरकार CRP के तहत प्रस्ताव बनाकर भी नहीं भेज रही, जिसके कारण ग्रामीण और शहर क्षेत्र की जनता समस्याओं से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि जनता का पैसा उनके ही काम नहीं आ रहा, इसके पीछे राजस्थान सरकार है। राज्य सरकार के दबाव में जिला प्रशासन काम कर रहा है, जिसके कारण केंद्र की योजनाओं का लाभ भी जनता को नहीं मिल पा रहा। ऐसे में उन्होंने जिले के अधिकारियों से कहा कि जनता की भलाई के लिए काम करें और जो योजनाएं सरकार बनाकर जनता को राहत पहुंचा रही है, उन्हें वह सुनिश्चित लाभ पहुंचाने का काम करें। देखिए, दिशा की बैठक एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होती है और उसमें सारे जितने भी विभाग है, मोटा मोटी सारे विभाग उसमें आते हैं। उसमें सारे अधिकारी कलेक्टर साहब से लेकर सारे अधिकारी रहते हैं, उसमें सारे जनपद सांसद से लेकर विधायक, प्रधान, जिला प्रमुख, महापौर और चेयरमैन, सारे उसमें जनप्रतिनिधि उसमें रहते हैं। और उस दिशा की बैठक के जो मान्य सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं वो भी उसमें रहते हैं। एक पूरे जिले के अंदर जो समस्या है, जो कार्य है, उन कार्यों का क्या सही ढंग से निर्वहन हो रहा है, क्या कोई निस्तारण हो रहा है, क्या काम अच्छी गुणवत्तापूर्वक हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, सड़कें अच्छी बन रही नहीं बन रही है, पेयजल की कोई अच्छी व्यवस्था हो रही है कि नहीं हो रही है, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है, ये सारे विषयों पर सारे जो विभाग है उनकी यहाँ सारी समीक्षा होती है। और 3 महीने में एक दिशा की बैठक ये होती है, उसमें जो पहले जो विषय लिए जाते हैं उनकी क्या अनुपालना हुई, उसकी अनुपालना रिपोर्ट दी जाती है। और फिर आज की बैठक में जो जो भी विषय हैं वो अगली बैठक में उन विषयों का निस्तारण कब हो, आज ही इस बैठक में तय हो जाता है कि समय सीमा बताइए, ये जो नाली, ये पुलिया टूटी हुई है, यहाँ जल जीवन मिशन के लिए पानी नहीं गया है, वो पानी कब तक पहुँच जाएगा। दुर्भाग्य की बात है कि 31 मार्च 2024 तक हर घर में नल होना चाहिए, उसमें शुद्ध जल होना चाहिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बहुत बड़ा देश में मिशन लिया कि 31 मार्च 2024 तक हर घर में नल और उसमें शुद्ध जल होना चाहिए। परंतु दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज राजस्थान की मैं बात करूँ, अजमेर लोकसभा क्षेत्र की बात करूँ, तो जो जिस गति से काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने 27,000 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को दे दिया है, परंतु अभी तक सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 31 मार्च 2024 आने वाला है, 2022 आज 17 दिसंबर 2022 जो ये वर्ष ये अलविदा कहने वाला है, 2023 आ रहा है, 31 मार्च 2024 आने वाला है, परंतु वो काम भी उन सारे कामों की समीक्षा बैठक इस दिशा की बैठक में होती है। और मैंने यही कहा, चाहे अधिकारीगण हो चाहे हम जनप्रतिनिधिगण हो, हम सबका एक ही कर्तव्य है, हम सबकी एक ही ड्यूटी है, एक ही धर्म है कि हम सब मिलकर आम जनता की जो समस्या है उन समस्या का निवारण हम कैसे करें। परंतु मुझे खुशी है कि यहाँ सारे अधिकारियों ने भी
आज इस बात को स्वीकारा है कि जो भी जो जो विषय है उन विषयों को हम अगली दिशा की जब बैठक होगी उसके पहले इन कार्यों को हम निपटाने की भरसक कोशिश करेंगे।